नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुरु में। दोस्तों, भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की जानकारी, योजनाओं की जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने का आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं लिया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश में निकलने वाली एक ऐसी नई भर्ती की जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में निकली है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में यह भर्ती निकली है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसका सिलेक्शन ज्वाइनिंग की जाएगी। तो क्या है पूरी प्रोसेस, कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन ऑफलाइन है दोस्तों, तो इसका आवेदन पीडीएफ कहां से मिलेगी, सभी जानकारी देंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर अभी से कमेंट कर दी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो भी नोटिफिकेशन रहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर देते हैं जिसका नाम है गोर न्यूज 24 लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने हमारी पहली वेबसाइट जो है वो आ जाएगी gornews24.in। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना है। यहाँ पर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, इसे जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहे। मध्य प्रदेश वन विभाग नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी 2024, एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेटेस्ट वैकेंसी 2024, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य वन संरक्षण एवं वन बल प्रमुख वन भवन भोपाल के अधीनस्थ कार्यालय जिला के अंतर्गत दिव्यांग निःशक्तजन हेतु चिन्हांकित मानचित्र के रिक्त पदों की वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती अभियान के तहत दिनांक 11 नवंबर 2024 को विज्ञापन इसका जारी हो चुका है। दोस्तों, भर्ती का अगर हम पद की बात करें तो कौन सा पद है इसमें, तो मानचित्र का पद है। चल रही है ना। अरे वो कई किसान कार्ड वालों का ही लफड़ा है। दोस्तों, अगर हम बात करें भर्ती का पद की, जैसे कि आपको बताया मानचित्रकार है। आवेदन प्रारंभ होने की तारीख इसकी है 11/11/2024, आवेदन की अंतिम तिथि इसकी 28/11/2024। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है, यानी कि आवेदन निःशुल्क है। एसटी एससी ओबीसी सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है, एक भी रुपया आपको पैसा नहीं देना है। टोटल पद की बात करें तो टोटल कितने पद है, तो यहाँ पर आपको 16 पद देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। और अगर हम बात करें कि चिन्हित किए गए कौन कौन से पद रहे हैं, तो जैसे कि आपको बताएगा मानचित्रकार। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आवेदक की आयु सीमा 1/1/2024 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष से अधिक और कम से कम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान इसमें रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण अथवा 10वीं+12वीं पद्धति से हायर सेकेंडरी स्कूल आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। आपके पास चित्रकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए मानचित्रकारी का। मध्य प्रदेश राजपत्र 16 फरवरी 2015 संशोधन 3 नियम में 10 में से समूह 3 मानचित्रकार सहायक मानचित्र हेतु हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का आपके पास जो है वो होना चाहिए, ओके। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो जैसे कि आपको सभी को पता है उम्मीदवार जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करे उससे संबंधित डॉक्यूमेंट प्लस आधार कार्ड आपका आपके फोटो सिग्नेचर ये सभी अपलोड होते हैं, पर इसमें ऑफलाइन है तो आपको सभी की फोटो कॉपी यहाँ पर आपको लगाना होगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र में आपको जो सैलरी दी जाती है 12 दिसंबर 2019 के अनुसार 3 वर्ष की परीक्षा विहीन पर प्रथम वर्ष वेतन का 70% आपको दिया जाएगा, दूसरे वर्ष 80% वेतन का दिया जाएगा, प्रतिवर्ष 90% राशि जो स्टाइपेंड के रूप में आपको दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको मेरिट के आधार पर बाकी इंटरव्यू के आधार पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। मेरिट के आधार पर देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक तो मेरिट के आधार पर होगा, ठीक है। एक बार मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद फिर से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी इंटरव्यू के आधार पर, यानी कि कुल मिला के अगर आप बात करें तो मेरिट सूची बनेगी, उसके बाद जो है वो आपको इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बात करें आवेदन कहां पर मिलेगा, आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। आवेदन पत्र डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से शासकीय अवकाश को छोड़कर कार्यालय समय यानी 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालय वन मंडल अधिकारी सामान्य मंडल भोपाल खेल परिसर इंदिरा निकुंज 74 बंगले भोपाल पिनकोड 46/2003 में प्राप्त किया जा सकता है। ये एड्रेस आपको पोस्ट के माध्यम से भेजते समय पोस्ट के ऊपर आपको लिख देना है। अब बात करें आवेदन कहां से मिल सकता है हमको, तो आवेदन दोस्तों यहां पर आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है।
अभी से नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो है पूरा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे लास्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर हमें वेट कर लेना है, पूरी पीडीएफ लोड हो रही है। यहीं पर आपको सबसे लास्ट में जो है वो आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आवेदन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आवेदन फॉर्म रहा आपका, प्रति वन मंडलाधिकारी सामान्य मंडल भोपाल। यहाँ पर आपको जो है वो अपनी फोटो लगा देना, हस्ताक्षर सहित उम्मीदवार का नाम, ये सभी जानकारी जैसे कि आप सभी को पता है जो जो मांगी गई है, जैसे कि यहाँ पर आवेदक का नाम है, पिता का नाम है, आवेदक की जन्म तारीख है, शब्दों में अंकों में जन्म तारीख है, स्थायी पता है, वर्तमान पता है, परीक्षा उत्तीर्ण की तारीख, ये सभी आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा हस्ताक्षर वगैरह सब कर देना है। यहाँ पर वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे। ये सभी फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लेना है, इसे भर लेना है, साथ में इसके जो जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर आवेदन फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, ये सभी मार्कशीट आपको लगा देनी है, आधार कार्ड लगा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसे आपको पोस्ट के माध्यम से जमा करना है, जो एड्रेस हमने बताया था, कौन सा एड्रेस, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एड्रेस दिख रहा है, कालारा वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल भोपाल खेर परिसर इंदिरा निकुंज 74 बंगले भोपाल पिन कोड में आपको यहाँ पर इसे भेज देना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।